दोस्तों अभी देखिए एकदम ऊपर जाना गाइस, मजा आ रहा है रोपवे से। अभी बहुत कम लोग हैं, देखिए गाइस डर लग रहा है, एकदम ऊपर आ गए हम लोग। मजा आ रहा है गाइस, बहुत आराम से जा रहा है ऊपर। देखिए पहाड़ के ऊपर आ गए हैं, इधर देखिए उधर देखिए सामने। दोस्तों जो पैदल लोग जाना चाहते हैं उससे जा सकते हैं, इधर रास्ता है। अभी हम लोग रोपवे से जा रहे हैं, मजा आ रहा है। ओए भाई कैसा लग रहा है? डर भी लग रहा है। सच बोलूं दोस्तों एकदम डर लग रहा है। रम देखिए कितना नीचे खाई है, इस रोपे में डर लग रहा है एकदम। सच बोल दोस्तों बहुत मजा आया, उसके बाद अब फटने लगी है। इधर देखिए इधर देखिए सामने। दोस्तों एकदम फट गई। अभी देखिए हम लोग चल रहे ऊपर। शिशिर भाई हमारे ऊपर से ताक रहे, हाथ हिलाइए, ताक रहे, कैसा लग रहा है? अभी दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं। देखिए रोपवे से मजा आ गया, डर तो बहुत लग रहा था पहले, बहुत रोपवे में घूमे गाइस, इस रोपवे में डर लग रहा था पता नहीं क्यों। हाँ पिलाइए, एक ऊपर बताएंगे क्या चीज है यहाँ। ये गिद्ध कूट पर्वत है, ये गिद्ध कूट पर्वत है, यहाँ भगवान बुद्ध जो है तपस्या कर, हाँ भोजन करने के बाद यहाँ आते थे, विश्राम करते थे, तपस्या करते थे, विश्राम करते थे। गिद्ध कूट पर्वत पर गिद्ध कूट बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। देखिए राजगिरी नालंदा में है, देखिए किधर पहाड़ियां हैं, खाई हैं। आकर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा है माहौल, अच्छा है, थोड़ा धूप है यहाँ पर। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर चल कर दिखाते हैं आपको। अभी दोस्तों हम लोग ऊपर चल रहे हैं, ऊपर दिखाते हैं क्या है, उसके बाद आकर यहाँ इसको दिखाएंगे। ये सारे लोग हैं गाइस, इस मंदिर में कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा अंदर, क्योंकि सामने ही लिखा गया है कैमरा नॉट अलाउ। विश्व शांति स्तूप भी बना है, महात्मा बुद्ध जी का सामने मंदिर भी है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सामने देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ।
अभी मैं भंते जी से पूछता हूँ यहाँ के बारे में, इसके बारे में बताएंगे आपको कुछ, इसके बारे में बताइए इस मंदिर के और परिसर के बारे में। यह गिरधकूट नाम से प्रचलित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी का ये बहुत ही प्रिय स्थल था। रोजाना सुबह नाचीवर धारण कर राजगिरी में भिक्षाटन करते थे, फिर यहाँ गिरधकूट पर्वत पर आकर के अपना विश्राम करते थे। और जापान सरकार के द्वारा यह बहुत महत्वपूर्ण विश्व शांति स्तूप बना हुआ है तथा यहाँ बुद्ध मंदिर भी बनवाया गया है। यहाँ प्रतिदिन बहुत से संख्या में देश विदेश के लोग भी आकर के यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यही यहाँ का धन्यवाद दोस्तों। अभी भंते जी बताएं इसके बारे में, अब चलते हैं किसी और मंदिर पर, वहाँ देखते हैं उसके बारे में फिर पूछेंगे इनसे। चलिए आइए चलते। यह जापान सरकार जी के द्वारा विश्व शांति स्तूप तमाम जगहों पर बनाया गया है, ठीक उसी तरह से यह राजगिरी में गिरधकूट पर्वत पर भी विश्व शांति स्तूप जापान के बौद्ध अनुयायियों के द्वारा ये बनवाया गया है, जो कि बड़ा ही अति सुंदर और सुप्रसिद्ध है। यहाँ दार्शनिक लोग, तमाम विदेशों के लोग भी आया करते हैं और जगह जगह से लोग आकर के यहाँ शांतिपूर्वक अपना स्तूप का परिक्रमा व दर्शन करके अति हर्षित होते हैं। ये दोस्तों अब दिखाते हैं आपको, आइए आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ यहाँ क्या चीज़ है। सामने से देखिए बहुत खूबसूरत है विश्व शांति स्तूप। पहले एक परिक्रमा करते हैं उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आइए, विजिट करिए, जो भी मेरा वीडियो देख रहा हो। ये है नालंदा जिला राजगिरी। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़ा आया। अभी देखिए हमारे पूरे ग्रुप के लोग हैं यहाँ चल रहे हैं। अभी देखिए उधर भी पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बन चुका है। यहाँ पर आए हुए देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ बहुत शांति है, बहुत बस धूप ज़्यादा है यहाँ। जब भी आइए ठंडक के मौसम में आइए, बहुत मज़ा आएगा आपको घूमने में, बहुत मज़ा ठंडक में। यहाँ देखिए दोस्तों एक समाध है जो यहाँ भंते रहते थे, ये भी समाध ही है। जो भी भंते जी यहाँ रहते थे होंगे उनका समाध, उनका नाम भी लिखा गया है यहाँ। बौद्ध धर्म उपेंद्र महाराज जी का ये है। दोस्तों यहाँ जो था सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ अभी आपको। अभी देखिए यहाँ सिर्फ ये बौद्ध भिक्षुओं का समाध स्थल है। यहाँ देखिए हमारे शिशिर भाई, अब चलते हैं नीचे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।